डोरेमोन वर्सेस गैलेक्टस, एक तरफ है जो कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड और एक तरफ है डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। अगर इन दोनों की आपस में फाइट हो जाती है तो कौन जीतेगा? देखो, इन दोनों की डायरेक्ट फाइट करवाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ही बहुत अलग अलग काम करते हैं, पर अगर इन दोनों के बीच में एक करेक्टर को कॉमन रखे और उससे इनकी पावर लेवल को कंपेयर करे, शायद इनका जो रिजल्ट होगा हमें मिल सकता है। अब देखो, ओडिन एक पावरफुल बींग है जो कि इन दोनों के बीच में आ सकते हैं। अब देखो, जो गैलेक्टस है और ओडिन है, उन दोनों की फाइट हो चुकी है जहां पर गैलेक्टस एस्गार्ड को कंज्यूम करने के लिए आ रहा था और ओडिन ने उसे एक हेड बट दिया था, पर उसके बाद जो गैलेक्टस, उसे तो काफी ज्यादा चोट लगी, पर जो ओडिन है उसे ओडिन स्लिप में जाना पड़ा और वो आगे फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाए। मतलब कि जो गैलेक्टस है कहीं ना कहीं तो ओडिन से ज्यादा शक्तिशाली पड़ता है। पर वैसे ही जो डोरेमोन है, उसने कहा था कि जो ओडिन और ज्यूस जैसे बींग्स है वे उसके इक्विवेलेंट ही पावरफुल है कॉमिक्स के अंदर। अब देखो, कॉमिक्स के अंदर इन दोनों की फाइट हो भी चुकी है जहां पर जो गैलेक्टस है उसने जो डोरेमोन से एब्जॉर्ब भी कर लिया था। अब देखो, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि गैलेक्टस जो यूनिवर्स है उससे एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करता है, जो कि हमें ब्लैक विंटर की स्टोरी लाइन में बताया भी गया था जहां पर कॉस्मिक किंग थोर भी था। तो बाकी अगर तुम्हें वो स्टोरी लाइन जाननी है तो कमेंट में बताओ। बाकी इस फाइट का विनर तो गैलेक्टस ही होगा।